हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूँ ब्रजेन और आज के इस क्लास में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये लेक्चर हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहा है क्योंकि इसमें मैं आपको टॉप 30 पर्यावरण विज्ञान एनवायरनमेंट साइंस के क्वेश्चन दूंगा जो बहुत बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं और कुछ ऐसे क्वेश्चन हैं जो अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आते हैं। दोस्तों, आइए शुरू करते हैं। कौन से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों? सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे है, वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? वन महोत्सव किसने प्रारंभ किया? चूंकि पर्यावरण का है तो वन महोत्सव बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये किसने किया है? के.एम. मुंशी। इनका नाम है के.एम. मुंशी। इन्होंने वन महोत्सव प्रारंभ किया है। भारत में वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भाई, वृक्षों का आदमी किसे कहा जाता है? सुंदरलाल बहुगुणा को कहा जाता है। आप जानते हैं चिपको आंदोलन से संबंधित हैं सुंदरलाल बहुगुणा और इसीलिए इनको कहते हैं वृक्षों का आदमी। और नंबर तीन पे है, भविष्य का ईंधन किसे कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है हाइड्रोजन को कहा जाता है। हाइड्रोजन है भविष्य का ईंधन। जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये, जल प्रदूषण को किसके द्वारा मापा जाता है? दोस्तों, ये BOD है। BOD को बोलते हैं बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड के द्वारा जल प्रदूषण को मापा जाता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना कब की? पर्यावरण विभाग भारत सरकार द्वारा कब स्थापित किया गया? 1980 में स्थापित किया गया। सोया प्रदेश किसे कहते हैं दोस्तों? सोया प्रदेश का मतलब है जहाँ पे सोयाबीन सर्वाधिक मात्रा में उपजाया जाता है, सर्वाधिक उत्पादन होता है, वो है मध्य प्रदेश और इसीलिए उसे सोयाबीन के सर्वाधिक उत्पादन की वजह से उसे सोया प्रदेश की संज्ञा दी गई है। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है? ये वेरी अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा ये। जैविक मरुस्थल किस नदी को कहा जाता है दोस्तों? ये दामोदर नदी को कहा जाता है क्योंकि दामोदर नदी जब झारखंड से बहती हुई इधर हुगली नदी में गिरेगी तो झारखंड में आप जानते हैं कि वहाँ पे कोयले की बहुत सारी खादान है, तो कोयले के अवशेषों और विभिन्न प्रकार के जीवाश्मों से मिली हुई या उसको घोले हुए जब नदी आती है तो उसमें एक जैविक पदार्थ की मात्रा की अधिकता हो जाती है, इसलिए जैविक मरुस्थल की संज्ञा दी गई है। किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? दोस्तों, अम्लीय वर्षा की बात की जाती है, अम्लीय वर्षा जिसको इंग्लिश में एसिड रेन कहते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सर्वाधिक कहाँ होती है? ये होती है नॉर्वे में। नॉर्वे है सर्वाधिक अम्लीय वर्षा वाला देश। अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ है दोस्तों? ये है मैनचेस्टर कहाँ है? इंग्लैंड में। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विश्व जल संरक्षण दिवस या विश्व जल संरक्षण जल दिवस कब मनाया जाता है? यह है 22 मार्च को। और कब शुरू किया गया? 1993 में पहला जल दिवस मनाया गया था 1993 में। दोस्तों, 11वें क्वेश्चन के रूप में देखिए, केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना कब की गई? केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना की गई है 1985 ईस्वी में। दोस्तों, 1985 ईस्वी में केंद्रीय गंगा प्राधिकरण की स्थापना हुई है जो कि अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में अति महत्वपूर्ण की श्रेणी में आएगा। जल पुरुष यानी भारत का जल पुरुष किसे कहा गया है? दोस्तों, ये है राजेंद्र सिंह। एक राजेंद्र सिंह है जो एक NGO के हेड है, उसके उन्हें ये जल पुरुष की संज्ञा दी गई है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे? दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। और आपको पता होना चाहिए सलीम अली एक क्या है, ये पक्षी विशेषज्ञ है, ये ornithologist इंग्लिश में कहते हैं, तो इन्हें सलीम अली कहा जाता है। सलीम अली के नाम पे ही जम्मू कश्मीर में सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान है। पेयजल को शुद्ध करने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? दोस्तों, पेयजल यानी पीने वाली पानी को शुद्ध करने के लिए क्लोरीन गैस का प्रयोग किया जाता है जो कि अब तक बहुत बार पूछा गया है, और क्लोरीन गैस के साथ ब्लीचिंग पाउडर का भी प्रयोग किया जाता है। भारत का राष्ट्रीय जल जीव किसे कहते हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है भैया, राष्ट्रीय जल जीव किसे कहते हैं? ये है डॉल्फिन। डॉल्फिन को कहा गया है। इसे राष्ट्रीय जल जीव कब घोषित किया गया पूछा जाएगा, तो आंसर होगा 18 मई 2010। 18 मई 2010 से डॉल्फिन को राष्ट्रीय जल जीव की श्रेणी में रखा गया है। गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम कब शुरू किया गया? गंगा नदी डॉल्फिन संरक्षण कार्यक्रम की शुरुआत 1997 में किया गया। गंगा नदी में ही डॉल्फिन पाई जाती है तो उसी के संरक्षण के लिए यह कार्यक्रम शुरू किया गया जो कि 1997 में शुरू किया गया है। यमुना एक्शन प्लान कब शुरू किया गया? यमुना एक्शन प्लान शुरू किया गया है 1993 में। यूपी में उत्तर प्रदेश में प्रथम बायोटेक पार्क की स्थापना कहाँ हुई है? दोस्तों, बहुत बार पूछा गया, यह लखनऊ में हुई है।
पोषण का राष्ट्रीय संस्थान कहाँ है, नेशनल न्यूट्रिशन अगर इंस्टीट्यूशन कहें इसको, तो नेशनल न्यूट्रिशन का जो एक नेशनल न्यूट्रिशन का जो संस्थान है वो कहाँ है, हैदराबाद में है दोस्तों। और 20वां क्वेश्चन, मेधा पाटेकर का नाम किस आंदोलन से जुड़ा हुआ है दोस्तों। मेधा पाटेकर बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है। और मेधा पाटेकर के साथ साथ बाबा आमटे का नाम भी नर्मदा बचाओ आंदोलन से संबंधित है दोस्तों। 21वां क्वेश्चन हमारा है, मौसम विज्ञान संबंधी प्रेक्षण के लिए किस गैस के गुब्बारों का प्रयोग होता है। मौसम विज्ञान संबंधी जो प्रेक्षण किया जाता है उसके लिए गुब्बारे भर के उड़ाए जाते हैं, तो उन गुब्बारों में कौन सी गैस होती है दोस्तों, वो होती है हीलियम गैस दोस्तों। सबसे हल्की गैस तो हाइड्रोजन है, लेकिन वो ज्वलनशील होती है, इसलिए हीलियम गैस को भरा जाता है, क्योंकि ये अज्वलनशील गैस होती है। टायलर पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। टायलर पुरस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। टायलर पुरस्कार पर्यावरण सुरक्षा के क्षेत्र में दिया जाता है। विंटर लाइन किस नगर में दृश्यमान होती है। विंटर लाइन दृश्यमान होती है मसूरी में। और क्या है विंटर लाइन, सूर्यास्त के बाद शाम के समय बर्फ पे जो है विंटर लाइन के रूप में जो है भाई पीले लाल नारंगी और बैंगनी रंग के मिश्रित एक लाइन नजर आती है, जिसे हम विंटर लाइन के नाम से जानते हैं। कहाँ दिखाई देती है, मसूरी में ये नजर आती है। समुद्री राष्ट्रीय पार्क, इंपॉर्टेंट समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ पे है, ये कच्छ की खाड़ी, और कच्छ की खाड़ी कहाँ है, गुजरात में है। तो समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है, गुजरात की कच्छ की खाड़ी में है। ग्लोबल 500 पुरस्कार किसके लिए प्रदान किया जाता है, किस लिए प्रदान किया जाता है, यह है पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए, पर्यावरण प्रतिरक्षा के लिए। और ग्लोबल 500 पुरस्कार की शुरुआत कब की गई है, 1987 से इसे दिया जाता है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार किस से संबंधित है। राजीव गांधी पर्यावरण पुरस्कार स्वच्छ प्रौद्योगिकी एवं विकास से संबंधित है दोस्तों। 27वें नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट, रैली फॉर वैली ये किससे संबंधित है दोस्तों। ये संबंधित है नर्मदा नदी घाटी से, और नर्मदा नदी घाटी में जो लोग थे उनके पुनर्वास या उनको जब वहाँ से हटाया जा रहा था तो उससे संबंधित ये रैली फॉर वैली था, कि भाई जो है वैली को बचाने के लिए यानी नर्मदा घाटी को बचाने के लिए रैली की जा रही थी, तो उसे ही कहा गया रैली फॉर वैली। विश्व परिवेश दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों। विश्व पर्यावरण नहीं, विश्व परिवेश दिवस है ये, 5 अक्टूबर को मनाया जाता है। आप जानते हैं कि विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है, और ये विश्व परिवेश दिवस है जो मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। तो 5 वहां भी 5 है, लेकिन वो अब जून या अक्टूबर है। विश्व तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये बहुत बार पूछा गया है। 31 मई यानी कि 31 मई को मनाया जाता है। और अंतिम क्वेश्चन है सर, आज का इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार की स्थापना कब की गई, 1987 को की गई दोस्तों। ये इतने महत्वपूर्ण टॉप 30 इन्वायरमेंट साइंस के क्वेश्चंस हैं, अगर आप इनको अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो आने वाली लगभग हर परीक्षा जिसमें भी पर्यावरण विज्ञान को रखा गया है, चाहे वो आपका UPTET परीक्षा हो, चाहे वो आपका ये UPPCS की परीक्षा हो, जहाँ भी आपके पर्यावरण के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 110% मान के चलिए कि इस लेक्चर से आपको 2-3 या 4-5 क्वेश्चन ज़रूर मिलने वाले हैं दोस्तों। इसी तरह से डेली में आपको टॉप 30 क्वेश्चन देने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि आपकी तैयारी और बेहतर मजबूत हो सके। वीडियो को देखने के लिए मेरी तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। नमस्कार।